Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आना चाहते हैं, कौन आपको अपना बनाना चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनका मकसद क्या है, उनके आपके ज़िंदगी में आने से आपके ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो आज का रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए है क्योंकि आज हम देखेंगे कि उनका आपकी ज़िंदगी में आने का क्या असर आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ऑफ कोर्स हम आशाएं रखते हैं, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ताकि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली पॉजिटिव ही हो वो इंसान, चाहे आप ऑलरेडी उनको जानते हो या नहीं जानते हो। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून। द टावर, ओके, ओके, सो वी डू हैव द क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ, थर्ड कार्ड हमारे पास है टेन ऑफ कैरिश्मा, ओके, वी डू हैव द विल ऑफ फॉर्चून, we do have the magician, we do have the judgment, यहाँ पे रख देते, okay, just a second guys, bottom of the deck हमारे पास है king of charisma, okay, now मैं हमेशा दो deck से ही देख लेती हूँ। So we do have the Empress, we do have the Three of Wands, Ten of Swords, Ten, 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 Three Tens, A Ten. We do have the Seven of Pentacles, हमारे पास है Two of Cups, हमारे पास है Eight of Cups. Wow, we do have the Ace of Pentacles in the bottom of the deck and यहाँ पे था King of Charisma, okay. So basically यहाँ पे साइंस मैं आपको बता देती हूँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पे है, एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनुराशि यहाँ पे है, वी डू हैव द लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, वी डू हैव द जेमिनाई मिथुन राशि यहाँ पे है, ओके, वी डू हैव द एरीज एंड स्कॉर्पियो मेष और वृश्चिक राशि, कैंसर पैशिस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है, वी डू हैव लिब्रा एज इम्पॉर्टेंट साइन, लिब्रा जेमिनाई एरीज एंड स्कॉर्पियो एंड लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न आर वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। इंपॉर्टेंट नंबर्स तो मैंने आपको क्या ही दिया है, टेन टेन टेन, उसके अलावा मैं एक बार देख लेती हूँ, थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, टू इज इम्पॉर्टेंट, एट इज इम्पॉर्टेंट, ओके, एज वेल एज 16 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, 20 इज इम्पॉर्टेंट, ओके। सो यहाँ पे नक्षत्र मैं बता देती हूँ क्योंकि जब हम किसी के बारे में कहते हैं तो उसके नक्षत्र के बारे में अगर कह देते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा आपको क्लू मिल ही जाता है, अगर आप जानते भी हो बाई चांस तो आपको बहुत अच्छा से याद भी आ जाएगा। सो बेसिकली धनिष्ठा नक्षत्र यहाँ पे है, मघा नक्षत्र यहाँ पे है, हस्ता नक्षत्र यहाँ पे है, शतविषा नक्षत्र यहाँ पे है, यहाँ पे है यस अश्विनी नक्षत्र यहाँ पे है, वी डू हैव स्ट्रॉन्ग हस्ता साइन ओवर हियर, हस्ता नक्षत्र ओवर हियर एंड आपके पर्सन के राजयोग हो सकते हैं, ठीक है, एंड धन लक्ष्मी योग हो सकता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ये जो भी इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आज का रीडिंग उस तरह से ही था
कि ये इंसान कौन है और जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और ये इंसान का बेसिकली मकसद क्या है और आपका इनकी ज़िंदगी में आते ही क्या क्या बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। द आंसर इज़ येस, डेफिनेटली येस, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट कमिंग इन योर लाइफ। बहुत ढेर सारा आपकी ज़िंदगी में, जैसे इनकी पना में अगर आप आ जाते हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, चाहे आपकी स्टेटस कोई भी हो, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है एक एंड जैसे यहाँ पे कोई रिलेशनशिप, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप शायद एंड होगा, या कोई जॉब आप ठुकरा रहे हैं, या जॉब से आप रिज़ाइन कर रहे हो, कोई करियर चेंज उस दौरान आपका हो रहा है, आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं मुझे अभी अपने घर से ही ऑपरेट करना है बिजनेस को, ठीक है। ऐसा शायद आपने डिसाइड किया जो पहले आपने कभी नहीं किया। ये जो एनर्जी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसके वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू द हाई वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ दैट पर्सन। वो इंसान की हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट दे रहा है, इसीलिए आपके अंदर इतना ज़्यादा चेंजेस, आपके अंदर इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उसी लिए तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी के आने से किसी का नुकसान होता है, बट यहाँ पे किसी के आने से आपकी बढ़ोतरी, आपकी जो एक ज़िंदगी में अबंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट होगा। अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, अ फ्रेश चैप्टर इन योर लाइफ विल स्टार्ट। मुझे दिख रहा है ये इंसान ऐसे भी इंसान होंगे जो आपको मदद तो करेंगे और ये आपको रेफर भी कर देंगे कुछ ऐसे लोगों को जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल से आपको समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है मेडिकल, ठीक है। सो मेडिकल आपकी एक स्टडी का सब्जेक्ट है, ऑफकोर्स। सो बेसिकली ये इंसान अगर आपकी सीनियर डॉक्टर है, या अगर आपकी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, ये इंसान आपको ऐसे कुछ लोगों को, ठीक है, रेफर कर देंगे या आपको कुछ ऐसे लोगों के पास भेजेंगे जो आपको अच्छा से ट्रेन करेंगे, जो आपको अच्छा से मदद करेंगे ताकि आप अपने डेस्टिनी तक पहुंचो, क्योंकि वो ऐसे ही चाहेंगे, वो नोइंगली या अननोइंगली, ठीक है। हो सकता है कि उनकी मकसद पहले आपको देखकर आपके साथ बंधन में बांधना में भी नहीं हो, बट दे विल ट्राई टू डू दैट। दे विल जस्ट वांट द बेस्ट इन योर लाइफ। वो चाहते होंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपकी बेस्ट वर्जन हो। ये इंसान आपकी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं जो आपके लिए स्टिल वेट कर रहे हैं फॉर द प्रॉपर टाइमिंग, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है आपके साथ मुलाकात का, या वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, उनको कुछ गिल्ट महसूस हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि उनको लग रहा है समय हाथ से निकल जा रहा है। व्हेन यही वो इंसान था कि जो आपको छोड़ के एक दिन किसी का हाथ थामे थे, मे बी वो किसी और मौके की तलाश में। इस रिलेशनशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी होना शुरू हो गया, एक ये रिलेशनशिप उनके लिए कुछ अच्छा नहीं लगा, उनको लगा इससे भी बेहतर रिलेशनशिप, इससे भी बेहतर ज़िंदगी उनको मिल सकता है, इससे भी बेहतर संबंध उनको मिल सकता है, इसलिए वो दूसरे रिलेशनशिप में चले गए। आई डू फाइंड अगर हम उनकी क्वालिटीज़ को देखें, सो मुझे दिख रहा है दे हैव लॉट ऑफ स्किल्स, बहुत ज़्यादा इनकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है, भाग्य जैसे इनका साथ हमेशा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आई डू फाइंड विद अ मजिशियन कार्ड, आई डोंट हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट मजिशियन कार्ड, क्योंकि मजिशियन कार्ड इटसेल्फ सेज दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द सुपीरियर, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान सारे चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं प्रॉपरली। अगर एक सब्जेक्ट को लेके इन्होंने स्टडी किया है, उसी सब्जेक्ट में ये फोकस करेंगे और अटेंशन देंगे। इनका ऐसा नहीं कि 10 सब्जेक्ट्स में 10 जगह पे इस तरह से ऐसा करें, जो भी करेंगे उसमें लाजवाब रिजल्ट ये लेके आते हैं, ठीक है। चाहे इनकी वर्क परफॉर्मेंस हो, चाहे इनकी स्टडीज़ को रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उसी में ये घुस जाते हैं, उस दुनिया को एक्सप्लोर कर देते हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं। आई डू फाइंड दैट्स वाई ऑलवेज इवन ये इंसान कभी कभार टी ब्रेक या कॉफ़ी ब्रेक
में ही बहुत कुछ आइडियाज, इंटरेस्टिंग आइडियाज अपने दिमाग में आ जाता है. अरे ये मैं सोच रहा था, ये मैं सोच रही थी, वाओ दिस इज़ द थिंग. ओके सो आई डू फाइंड कि ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, काफ़ी ज़्यादा इनके पास विजडम होगा, काफ़ी ज़्यादा इनके पास पावर होगा, ग्रैस्पिंग नॉलेज. मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कुछ लोग इतना अटेंशन देते हैं, एक बार बोल दो तो समझ में आ जाए, ठीक है. सो दे लिसन विद अ पेशेंस एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड दे हैव लॉट ऑफ स्पार्क विद इन देमसेल्फ, बहुत ज़्यादा स्पार्क उनके अंदर है. ये इंसान डेफिनेटली जो सच्चाई है उसी का साथ देते हैं, जो गलत है भूल कर भी उसका साथ नहीं देते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग जजमेंटल स्किल्स में भी आपके पर्सन जो थे, राइट, वो आपको काफ़ी ज़्यादा जज करते थे. फॉर योर मिस्टेक्स दे यूज टू पॉइंट आउट, लेकिन आपको लगता होगा कि मेरा मिस्टेक जो है ये पॉइंट आउट कर रहा है या कर रही है, शायद ये मुझे पसंद नहीं करता है, ये पसंद नहीं करते इसलिए ऐसा कर रहा है. पर ऐसा नहीं है, मे बी आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या आपकी बॉस या आपके सीनियर या आपकी जूनियर भी हो सकता है कि जो आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं ताकि आप रेक्टिफाई कर दें. काफ़ी लेविश लाइफ लीड करते हैं, इनके ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए हैं. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं प्रीवियसली, दे कैन बी डिवोर्स सेपरेटेड और विडो, इट्स लाइक दैट. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं अगर उनको कोई उनके सेल्फ एस्टीम के ऊपर क्वेश्चन लगाए या उनके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन लगाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं. बिकॉज जो उन्होंने नहीं किया है उसके बारे में कोई अगर कहे तो ये सहन नहीं कर सकते. दे कैन नॉट टॉलरेट एनी टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म, कोई भी क्रिटिसिज्म ये टॉलरेट नहीं करते हैं. बट मज़े का बात ये है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज ज़रूर करते हैं. दे हैव वेरी डेंस हेयर अगर फीमेल है तो, एंड आई डू फाइंड फीमेल है तो शॉर्ट हेयर हो सकता है या हो सकता कर्ली टाइप. आई डू फाइंड दे वेयर ब्रेसलेट्स और समथिंग, मेन एक्सेसरीज जो भी है ये पहनते हैं. फॉर फीमेल आई डू फाइंड देयर वेरी लवली, ठीक है, वेरी क्यूट बबली एनर्जी. दूसरा है कि आप दोनों को जो भी मिलाएगा, ठीक है, वो परवरतिकारी होंगे जो आपको मिलाएंगे, चाहे वो किसी के रूप में भी हो, आप मिलेंगे तो यहाँ पे ज़रूर, ठीक है. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, बहुत फेथ एक दूसरे के ऊपर आपका होगा, बहुत भरोसा होगा एक दूसरे के ऊपर, रिस्पेक्ट होगा, डीप फीलिंग्स होगा. एंड आप दोनों जब मिलेंगे ना, ठीक है, तब और कोई आप दोनों के दिमाग पे आ ही नहीं सकता, बिकॉज यू विल बी लाइक टुगेदर. ऐसा होता है ना कि गुलाब जामुन और कैसे जलेबी, बोथ आर लवेबल, इट्स लाइक दैट. सो किंग ऑफ कैरिश्मा, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे आर गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ योर कमिटमेंट, ठीक है. पैसा कमाने के मामले में ये नंबर वन है, फाइनेंशियल पार्ट इनके काफ़ी स्ट्रांग है. एंड डेफिनेटली एक न्यू जॉब ऑफर या अपॉर्चुनिटी आपके ज़िंदगी में भी आ सकता है विद इन फ्यू डेज, एक एडिशनल मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है. दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे लोग घर से ऑपरेट करते हो, घर से काम करते हो आप लोग. कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे आपको देख पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा डेस्टिनी के ऊपर, आप बहुत ज़्यादा मतलब आपकी कॉन्फिडेंस से ज़्यादा आप अपने डेस्टिनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं. और आपके पर्सन जो है वाइस वर्सा हो सकता है, वो डेस्टिनी से ज़्यादा अपने कर्म, दैट इज़ अपने टैलेंट, अपने स्किल के ऊपर भरोसा करते हैं ज़्यादा. दैट डिपेंड्स, उससे कोई फ़र्क नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अपना काम करते जाना है, दैट्स इट. ओके एंड कुछ लोगों के लिए यू विल मीट देम मे बी विद इन 10 डेज, मे बी विद इन 10 वीक्स, मे बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर कैन बी वेरी फेवरेबल फॉर यू. हो सकता है मिल भी चुके हो. कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा, अगर मेल है तो इनके हैवी बियर्ड हो सकते हैं या क्लीन शेवन हो सकता है, आईब्रोज बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होंगे. अभी यहाँ से हमें और भी पता चलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज मैंने लिया है. तो यहाँ पे देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, प्लीज बताइए. ओके, कैंपिंग, एडवेंचरस टूर्स एंड ट्रेकिंग, इसमें हो सकता है ये इंसान. समर सीजन पे आप लोग मिल सकते हैं, गर्मी के समय पे. सीक्रेट अफेयर्स या कोर्टशिप, हो सकता है आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, कुछ दिनों तक लोग उसको ना जान पाए या ये किसी और के साथ इन्वॉल्व थे,
ओके, फॉन्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, अगर ये फीमेल है तो भी, अगर मेल है तो भी, क्योंकि दोनों के लिए आजकल कॉस्मेटिक्स अवेलेबल ही है. वीजा सैंक्शन ओवरसीज, नवंबर मैंने आपको कहा था कि नवंबर मंथ कैन बी फेवरेबल फॉर यू. इंक पॉट, हो सकता है कि राइटर हो, स्पोक्स पर्सन हो सकता है ऑथर हो, जर्नलिज्म लेके बहुत अच्छे से स्टडी किया है उन्होंने, ठीक है, तो कुछ लिख सकते हैं. पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से करते हैं, लेकिन उससे पहले तो लिखना पड़ता है ना, आप क्या बोलोगे उससे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा पहले. कन्विंसिंग पेरेंट्स इज नॉट वर्किंग आउट, हो सकता है कि इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे इसलिए उन्होंने आपके साथ कोई बात को आगे ही नहीं बढ़ाया. बट लेट्स गिव वन चांस टू आवर रिलेशनशिप एंड सी व्हाट टर्न्स अप. हो सकता है कि इन्होंने बाद में मना लिया या ये खुद से आगे आना चाहते. यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड, आप काफ़ी खूबसूरत है अंदर से भी बाहर से भी. इनके हाथ में टैटूज हो सकते हैं, राइट हैंड पे, नेक पे, ठीक है, इवन फेस पे भी हो सकता है. टेलीकम्युनिकेशन, कोई भी इंटरनेट मीडिया, कोई भी रिलेटेड हो सकता है, कोई भी कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं. हैज़ मेनी ऑप्शंस टू चूज इन लाइफ, यस दैट्स वाई इनका कोई सीक्रेट अफेयर या कोर्स था, लेकिन जो भी था, जिनके साथ भी था, वो अपने रिलेटिव में ही था कुछ लोगों के लिए. प्राउड ऑफ पर्सनल अचीवमेंट, यस दे आर लिटरली प्राउड, बहुत ज़्यादा गर्व है उनका, लेकिन उनका ईगो जो है कभी कभी बस्ट भी करता है. स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलर है, कुछ और भी देख लेते हैं एंड देन विल गो फॉर द इनिशियल्स, ठीक है, ओके, विल गो फॉर द विंटर सीजन, नवंबर एंड दिसंबर, मानसून सीजन. हाई प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल हो सकता है कैंगरू. कैंगरू जब भी आता है, आई डू फाइंड द कंट्री कॉल ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो वाई. फेदर्स एंड रेवन्स, आपको दिख सकता है बहुत ज़्यादा कौवे. यू आर वेरी क्लोज टू योर सोलमेंट, इसलिए डिवाइन टाइमिंग हैज अराइव्ड, कमिंग सून, यस. अभी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ इनिशियल. ओके, मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो सकते हैं एम जे, वी जे, म्यूजिक जॉकी, रेडियो जॉकी, ओके, 7178 DYE, यू कैन मीट देम ऑन मंडे, ट्यूसडे, ओके, संडे भी है यहाँ पे, संडे दिखाई दे रहा है मुझे, ओके, आफरीन किसका नाम हो सकता है, ओके, आलिया किसका नाम हो सकता है, आरुषि किसका नाम हो सकता है, असिन किसका नाम हो सकता है, रोहन हो सकता है, रोहित, रौनित, ऋषभ, रिक्की, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो सकता है आपके पार्टनर, या आप फर्स्ट ईयर में स्टडीज कर रहे थे, आप तभी मिल रहे हो आप, ओके. सैटरडे इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मे बी बॉर्न ऑन सैटरडे, ओके. यूट्यूबर, कैन बी यूट्यूबर ऑल्सो. इंडिया, ये सेकेंड फिर फ्रॉम इंडिया, अगर आप बाहर से देख रहे तो, ओके. एनआरआई, इट्स लाइक एनआरआई, यस एनआरआई और आई एन, ओके. यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओके. एमिरेट एयरलाइंस में भी हो सकते हैं, ठीक है, एमिरेट्स एयरलाइंस, जनीशा नाम हो सकता है, ओके. अजय नाम है, अजय यहाँ पे है, अजय, ओके. टीम लीडर है ये, टीम. रॉकी नाम हो सकता है किसी का, ओके. रिया है यहाँ पे, रिया है, दिया है, निया इज देयर, टिया इज देयर. न्यू ईयर पे मिल सकता है, न्यू ईयर के दिन में मिल सकता है, ऑन द 1st January, ओके. फेसबुक के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो आप लोग, इंटरनेट. इनके नाम पे हो सकता है कि दो बार आर आता है.
या ए नादा है के ए जे ओके आपके आसपास कोई ऐसा ट्री ऐसा पेड़ हो सकता है जहाँ पे जनरली वो एक ड्राई फ्रूट की पेड़ हो. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोट 6 एंड प्लीज डू क्लेम दिस रीडिंग बाय 10:10. यू कैन से दैट यूनिवर्स प्लीज ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट. आई क्लेम दिस रीडिंग बाय 10:10. थैंक यू सो मच.